25 जुलाई को सड़क हादसे में एसीपी संकेत कौशिक की मौत हो गई थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान महिपालपुर के पास रजोकुरी इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां उन्होंने बताया जा रहा है कि एक वाहन को रोकने की कोशिश की तो उसी वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये वही ट्रक है जिसकी तलाश लंबे समय से दिल्ली पुलिस कर रही थी, DLIW 0365। ये वही ट्रक है जिसको अमित पुलामी, जो कि महिपालपुर का रहने वाला है, वो चला रहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ खाली थे। 25 जुलाई का हादसा था रात 8 बजे के लगभग, और जिस वक्त ये हादसा हुआ चश्मदीदों और तमाम एफर्ट्स के बाद, टेक्निकल सर्विलांस के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इसने वहाँ छुपा दिया था। ये जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट भी टूटी थी, इसके शीशे भी टूटे थे जब हादसा हुआ था, क्योंकि एकाएक एसीपी संकेत कौशिक को इसने कुचल दिया था और डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे निकला। क्योंकि जब ये शीशे टूटे तो पुलिस को लगा कि ये कहीं ना कहीं गाड़ी या तो इसने छुपाई है या तो कुछ ना कुछ इसका बदलवाएगा। हालांकि तमाम एफर्ट्स के बाद, टेक्निकल एफर्ट्स के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो स्किट्स देख रहे हैं, जो निशान देख रहे हैं, ये उसी दौरान के हैं जब इसने टक्कर मारी थी। हालांकि इसको लंबा समय इसलिए लगा ढूंढने के लिए क्योंकि इस गाड़ी को इसने छुपाने की कोशिश करी थी। यही उस वक्त एकाएक तेजी से आया और 28 साल इसकी उम्र है, और ये एकाएक उनको मारकर वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तमाम एफर्ट्स के बाद इसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा मैन अमित राय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़24, दिल्ली।